47 साल बाद हनीमून पर खोई अंगूठी ने दंपति में नई मोहब्बत डाल दी। मैसाचुसेट्स के केप कोड बीच पर हनीमून मनाने गए अमेरिकी दंपति की कीमती अंगूठी खो गई। काफी खोजने के बाद भी उन्हें अंगूठी नहीं मिली और उन्हें इसका सदमा हमेशा रहा। लेकिन 47 साल बाद एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने दोनों के बीच मोहब्बत की नई उड़ान भर दी। जिम विर्थ केप कोड में मेटल डिटेक्टर से इलाके की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें गोल्ड की एक कीमती अंगूठी मिली। जिम ने अंगूठी को साफ कराया। इस अंगूठी पर मैसाचुसेट्स कॉलेज 1969 और पैट्रिक ओहेगन लिखा था। जिम ने इंसानियत और जुनून के साथ ठान लिया कि वो इस अंगूठी के मालिक को खोज निकालेंगे। जिम का पहला पड़ाव गूगल था। खूब खोजबीन की और आखिरकार उन्हें कुछ सुराग मिल ही गए। उन्हें द बुक ऑफ के हल्स के बारे में पता चला। ये किताब ओहेगन की पत्नी क्रिस्टीना ने लिखी थी। किताब को पढ़ते पढ़ते जिम उस चैप्टर पर पहुंचे जहां क्रिस्टीना अपने प्रेमी ओहेगन के बारे में लिखती हैं। इस किताब को पढ़कर जिम को इस अंगूठी के असली मालिक मिल गए। जिम ने ओहेगन दंपत्ति को अंगूठी लौटा दी। 47 साल बाद खोई अंगूठी पाकर दंपत्ति इतना खुश हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोल उठे, इस अंगूठी ने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया है। मोहब्बत में खुशी के घोल डाल दिए गए हैं।